फ्यूचर जेन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट, वो भी आसान तरीके से। पहले ये देख लें कि एक का स्क्वायर क्या होता है, दो का स्क्वायर क्या होता है, 10 तक ये लिख लें और उसके लास्ट डिजिट को देख लें, ठीक है? उससे क्या होगा, एकदम आसान तरीका हो जाएगा, ये सीखने में एकदम आसान लगेगा। देखिए आप यहाँ पे पहले तो दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है? ये 9 किसका लास्ट डिजिट है? ये तो एक ही अंक है, तो ये तो हो गया 9, 3 का है लास्ट डिजिट, और फिर ये 7 का लास्ट डिजिट है, 9 49 है, तो लास्ट डिजिट 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 और 7, 7 और 3, ठीक है? अब क्या करेंगे, 2 अंक को काट देंगे, ठीक है? 2 अंक को काट दिए, अब कितना बचा, यहाँ पे 10 बच गया, 10 बच गया। तो ये देखेंगे 10 से छोटा और स्क्वायर कौन सा सबसे करीब है, जैसे 2 है या 3 है, तो 3 का करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 करीब है तो 9 ही होगा, छोटा होना चाहिए या सबसे करीब होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिखाएगा, यहाँ पे भी 3 लिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 है, अब ये 3 है ना, जो ये 3 है, ये 3 को अगली संख्या से गुना करेंगे, 4 से गुना की तो अगली संख्या 4 होता है, तो 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो ये 12 से बड़ा है या छोटा है ये देखेंगे, तो ये तो छोटा है, तो छोटी संख्या इसका स्क्वायर रूट हो गया, 33 इसका स्क्वायर रूट हो गया आंसर।